Hello everyone, good morning and welcome to our channel. In this video, we shall discuss the daily editorial analysis of the Hindu. चलिए आज का newspaper उठाते हैं, देखते हैं कौन कौन से editorials आपको cover करने. दो editorials ऐसे हैं जो अलग अलग pages पे आए हैं लेकिन वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. ये दोनों के दोनों editorials को आज हम बहुत गहराई से cover करने वाले हैं. Equal freedom and forced labor and legal but not appropriate. Now, ये दोनों के दोनों editorials एक दूसरे को complement करते हैं, इस वजह से एक साथ इनको cover करेंगे. इसके अलावा the need for a second chamber, this requires a separate video and I will be covering it in a separate video itself. ये राज्यसभा की जरूरत के ऊपर हमारे M. वेंकैया नायडू जी, जो हमारे vice president हैं, उन्होंने editorial लिखा है. इसको ध्यान से cover करना है लेकिन इसे अलग से कवर करना पड़ेगा क्योंकि ये बाइकैमरलिज्म के ऊपर फोकस करता है. बाइकैमरलिज्म इज एन इशू जो कि हमारा 1935 एंड उससे पहले से भी, अगर मैं बात करूं 1935 से पहले 1919 में भी इसका कुछ जिक्र हुआ था, तो वहां से लेके आज तक कैसे इवॉल्व हुआ है और किस तरीके से आज इसकी एग्जिस्टेंस हमारे लेजिस्लेचर के ऊपर इंपैक्ट डालती है, वी विल बी कवरिंग इट इन अ सेपरेट वीडियो. मेक श्योर कि आप उस वीडियो को जरूर चेक कीजिएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस एडिटोरियल जो कि बात कर रहा है फोर्स्ड लेबर की. ये जो फोर्स्ड लेबर का इशू है अभी रिसेंटली, यू नो, फॉर एग्जांपल गुजरात है, महाराष्ट्र है, एमपी है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, यूके इज उत्तराखंड है एंड हिमाचल है, एचपी है, राजस्थान है एंड यूपी है. ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे लेबर लॉज के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस, कुछ प्रोविजंस में चेंजेस किए गए हैं. कुछ सेंट्रल लॉज को कह लीजिए कि सस्पेंड किया गया है, सस्पेंशन ऑफ सर्टेन लॉज. तो पहले तो ये एग्जांपल्स देख लेते हैं. देखिए दोस्तों, ऐसा है कि यूपीएससी हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे कोई भी सर्विसेज हो, वो आपको ये एग्जांपल नहीं पूछेंगे. मेक श्योर कि आप ये एग्जांपल याद ना करें लेकिन समझ लें कि कहां कहां किस तरीके के चेंजेस हुए हैं. इट इज लीगल बट इनअप्रोप्रिएट, ये एडिटोरियल कह रहा है हमारा जो पहले वाला है. पहले हम प्रोज देख लेते हैं, प्रोज विद चैलेंजेस, और फिर उसके बाद कॉन्स देखेंगे, मतलब जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहा है. ये कह रहा है कि ये लीगल है और ये कहेगा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है. नाउ फार रीचिंग चेंजेस हैव बीन मेड टू द लेबर लॉज विदाउट स्क्रूटनी बाय द लेजिस्लेचर. अब यहां पे इस एडिटोरियल में ये तकलीफ है कि भैया पहले स्क्रूटनी होनी चाहिए थी, फिर ये लॉज पास होने चाहिए थे. अब ये लॉज बिना स्क्रूटनी के पास हुए हैं, इस वजह से ये इनअप्रोप्रिएट है, राइट, अदरवाइज लीगल है. नाउ पहली चीज तो ये कि कौन कौन से स्टेट्स हैं. पहली चीज ये देख लीजिए, हिमाचल है, राजस्थान, पंजाब है. वहां पे मैक्सिमम डेली आवर्स ऑफ वर्क, जो एक दिन में मैक्सिमम घंटे आप काम करेंगे, वो 8 से 9 घंटे थे पहले, अब 12 घंटे तक बढ़ा दिया गया है, विद अलाउिंग 72 आवर्स पर वीक ऑफ ओवरटाइम. एक हफ्ते के अंदर आप 72 घंटे तक का ओवरटाइम दे सकेंगे. द प्रोविजन ऑफ पेइंग ओवरटाइम वेजेस एट ट्वाइस द नॉर्मल रेट. मान लीजिए कि ओवरटाइम वेजेस अगर नॉर्मल वेज 100 रुपए है और ओवरटाइम वेज जो है वो 150 रुपए है, तो अब वो 300 रुपए कर दी गई है. दिस इज जस्ट सिर्फ सिंबॉलिक है, इसको एज सच याद मत कीजिएगा. नाउ दे वुड अप्लाई फॉर वर्किंग बियॉन्ड दीज लिमिट्स. गुजरात की आप बात करें तो गुजरात में ओवरटाइम विल बी एट द सेम रेट. वो उन्होंने भी ये किया है, ये 300 नहीं किया है, वो 150 के ऊपर ही है. सिमिलर चेंजेस उन्होंने अपने लॉस के अंदर किए. उत्तराखंड के अंदर डेली लिमिट को 11 घंटे बढ़ा दिया है, डेली वर्किंग आवर्स को, एंड विद ओवरटाइम लिमिटेड टू 18 आवर्स अ वीक, हफ्ते में 18 घंटे. हरियाणा की अगर आप बात करो तो 12 आवर्स पर डे, ये एचपीडी, दिस इज अ टर्म इन लेबर लॉस, 12 घंटे एक दिन के अंदर आपको काम अलाउ किया जाएगा. 60 घंटे का ओवरटाइम आपको ओवरटाइम पे के साथ अलाउ किया जाएगा. एमपी के अंदर भी सिमिलर चेंजेस हुए हैं एंड दीज चेंजेस विल बी एप्लीकेबल फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स इन मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में पर्टिकुलरली कुछ प्रोविजंस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 उसको एग्जेम्प्ट कर दिया है, सस्पेंड कर दिया गया है, एंड विद सर्टेन एक्सेप्शंस विद यू नो प्रोविजंस रिलेटेड टू रिट्रेंचमेंट एंड लेऑफ्स. रिट्रेंचमेंट और लेऑफ्स के रीजन की वजह से अगर कोई भी प्रोविजंस लागू हो रही है, उन प्रोविजंस को सस्पेंड नहीं किया गया. बट ये सस्पेंशन भी कितने दिन के लिए, 1000 दिन के लिए, एंड ओनली फॉर स्टेट पीएसयूज, जो स्टेट की अंडरटेकिंग्स हैं, सिर्फ उनके लिए. एमपी ने एक इश्यू किया है ऑर्डिनेंस भी, जो दो लॉज को अमेंड करता है, दी एमपी इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट. ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, जो बहुत सारे लोग इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज की पढ़ाई कर रहे हैं उनको पता है कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स का पर्पज क्या होता है. स्टैंडिंग ऑर्डर्स बेसिकली सिर्फ और सिर्फ यही बताते हैं कि वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी, वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी. दीज वर्किंग कंडीशंस आर बेसिकली
enlisted in the standing order और उसको चस्पा मतलब चिपका दिया जाता है in a conspicuous place. तो ये चस्पा कर दिया जाता है, ये बता दिया जाता है कि आपको इतने घंटे का काम है, इतने घंटे की शिफ्ट है, इतने घंटे का लंच आवर है, ये सारी चीजें, कितने घंटे का ओवरटाइम है, ओवरटाइम पे कितना मिलेगा, ये सारी डिटेल्स ये स्टैंडिंग ऑर्डर में होती है. तो इस स्टैंडिंग ऑर्डर को स्टैट्यूटरी प्रोविजन देता है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट. तो जो सेंट्रल एक्ट है वो 1946 में पास हुआ था. सिमिलर सेंस में बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने अपने स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट्स पास किए. नाउ दिस विल अप्लाई टू एस्टैब्लिशमेंट विद मोर देन 100 वर्कमैन. अब सेंटर का भी लॉ 100 वर्कमैन की बात करता था ना, लेकिन एमपी का जो लॉ था वो 50 के थ्रेशोल्ड पे टिका हुआ था. अब उसे सेंट्रल लाइन के साथ साथ कर दिया गया है. जैसा सेंट्रल एक्ट 100 वर्कमैन 100 वर्कमैन की बात करता है कि उसके ऊपर के लोगों को जो है ये एक्ट लागू होगा, वैसा ही एमपी में अब कर दिया गया है. एंड ऑर्डिनेंस ऑल्सो इनेबल्स द गवर्नमेंट टू एग्जेम्प्ट एस्टैब्लिशमेंट्स फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ अनदर एक्ट व्हिच इज प्रोवाइडेड फॉर अ लेबर वेलफेयर फंड. जो लेबर वेलफेयर फंड की कुछ प्रोविजंस हैं जो एक एक्ट के तहत आती हैं, उनको भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है. यूपी गवर्नमेंट हैज ऑल्सो अप्रूव्ड एन ऑर्डिनेंस. यूपी गवर्नमेंट का थोड़ा ज्यादा आ रहा है क्योंकि थोड़ा पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है, बट अदरवाइज लेट्स जस्ट अज्यूम. देखिए, ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा, एमपी, राजस्थान, एचपी, पंजाब फॉर दैट मैटर, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपने याद नहीं रखने. आपने याद नहीं रखना है. वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दिस इज फॉर इंटरव्यू पर्पजेस, दिस इज फॉर मेंस पर्पजेस एंड प्रिलिम्स के पर्पजेस से जो चीजें हैं वो अभी हमने डिस्कस करनी है. उसकी गहराई में अभी हम उतरेंगे. मैं आपको बताऊंगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा यहां से प्रिलिम में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. अब क्योंकि ये इशू उठ चुका है, अभी वैसे तो प्रिलिम्स पोस्टपोन हो गया है यूपीएससी का, लेकिन फिर भी जब भी प्रिलिम्स होगा तो उस समय आप मान के चलिए कि इसके ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आके रहेगा. एंड वी विल ट्राई कि हम उसे गहराई से अच्छे से अभी कवर करेंगे. नाउ एज दिस विल ओवरराइड नाउ ऑल दीज प्रोविजंस, एंड पर्टिकुलरली अगर आप यूपी गवर्नमेंट वाली बात करें तो उन्होंने 3 साल तक सारे के सारे जो लॉज हैं, ऑल लेबर लॉज एक्सेप्ट दोज जो कि सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ वर्कर्स की बात करते हैं, एम्प्लॉइंग वुमेन एंड चिल्ड्रन की बात करते हैं, पेमेंट ऑफ वेजेस ऑन टाइम की बात करते हैं, या अबव प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम वेजेस, या नो बॉन्डेड लेबर, इस तरीके के जो लॉज है, बॉन्डेड लेबर एक्ट है, या कह लीजिए कि मिनिमम वेजेस एक्ट है, या कह लीजिए चाइल्ड लेबर एक्ट है, इस तरीके के जितने भी लॉज हैं वो सारे के सारे लॉज, या फॉर एग्जांपल वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन एक्ट है, ये सारे लॉज को एग्जेम्प्ट करते हुए बाकी सारे जो लेबर लॉज हैं उनको 3 सालों के लिए एग्जेम्प्ट कर दिया गया है. एज दिस विल ओवरराइड द प्रोविजंस ऑफ सम सेंट्रल लॉज, इट विल रिक्वायर प्रेसिडेंशियल असेंट. अब या तो आप प्रेसिडेंशियल असेंट लें. ये प्रेसिडेंशियल असेंट बेसिकली इनडायरेक्टली क्या कहता है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की असेंट ले रहे हैं. कारण क्या है कि प्रेसिडेंट हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस के ऊपर चलता है. नाउ एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के हिसाब से देखें तो लेजिस्लेचर हैज द अथॉरिटी टू मेक लॉज. सच लॉज कुड डेलीगेट पावर्स टू द गवर्नमेंट विच आर इन द नेचर ऑफ डिटेलिंग सम रिक्वायरमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स की बात हो रही है. स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर कुछ आधारभूत कह लीजिए अधिकार दिए गए हैं कि वो किसी किसी मैटर के ऊपर डेलीगेटेड पावर्स के तहत लेजिस्लेट कर सकते हैं, उस पर कानून बना सकते हैं, अधिनियम बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्रीज एक्ट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट्स आर अलाउड टू एग्जेम्प्ट फैक्ट्रीज फ्रॉम सर्टेन प्रोविजंस ड्यूरिंग पब्लिक इमरजेंसीज फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 मंथ्स. तो फैक्ट्रीज एक्ट में 3 महीने की मैक्सिमम लिमिट दी गई है, जिसके तहत आप कह सकते हैं कि आप अगर पब्लिक इमरजेंसी फेस कर रहे हैं तो आप इन कुछ एक्ट्स को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, या रादर फैक्ट्रीज को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं फ्रॉम सर्टेन प्रोविजंस. तो एक्ट एग्जिस्ट करता है लेकिन कुछ फैक्ट्रीज पे लागू नहीं होता. इस तरीके से आपने देखना, उल्टा नहीं देखना कि एक्ट ही लागू नहीं होगा. नहीं, एक्ट लागू होगा लेकिन कुछ फैक्ट्रीज के ऊपर मान्य नहीं होगा. नाउ ऐसे में पब्लिक इमरजेंसी क्या है? पब्लिक इमरजेंसी हैज बीन डिफाइंड एज अ ग्रेव इमरजेंसी. ये कौन सी ग्रेव इमरजेंसी है जो कि सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को खतरा पहुंचाती है, या फिर इफ इंडिया इज थ्रेटन्ड बाय अ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, वही नेशनल इमरजेंसी वाले कंडीशंस, या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस. ज्यादातर स्टेट्स ने ये प्रोविजन, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की प्रोविजन को यूज किया है. हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा ने पर्टिकुलरली बात कही है कि दिस इज टू डील विद एन एक्सेप्शनल प्रेस ऑफ वर्क, कि बहुत ज्यादा काम आ गया भैया, इस वजह से ये करना पड़ेगा. कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो परमिट्स सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू मेक लॉज थ्रू द इश्यूएंस ऑफ एन ऑर्डिनेंस व्हेन लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन. तो वो ऑर्डिनेंस वाली भी पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, है ना. सच अ लॉ नीड्स रेटिफिकेशन बाय लेजिस्लेचर विद इन 6 वीक्स ऑफ द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट सेशन.
एमपी और यूपी इसी प्रोविजन की इंतजार में है, इसी फिराक में है कि जैसे ही जो है नया सेशन आएगा, नेक्स्ट सेशन आएगा, तो उसको रेटिफाई करवा ले, राइट। तो इसी के तहत छह हफ्तों के लिए उन्होंने इस कानून को लागू किया है। नाउ अब इंपॉर्टेंस क्या है कंसल्टेशन की, ये तो सारे हमने फैक्टर्स देख लिए, ये सारे हमने एग्जांपल्स देख लिए, अब हमें कंसल्टेशन की इंपॉर्टेंस समझनी है। दैट एनी लॉ टू बी फॉर इट टू बी लॉफुल इट नीड्स टू सी वेदर अप्रोप्रिएट टू मेक सच फार रीचिंग प्रोविजन विदाउट स्क्रूटनी। अगर ये लॉफुल है तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि अप्रोप्रिएट है या नहीं, अप्रोप्रिएट होगा विदाउट स्क्रूटनी या नहीं होगा। यूजुअली एनी चेंज इन एक्ट follows a rigorous process of public consultation, जहां पे standing committees होती हैं, parliamentary committees होती हैं, debates होती हैं houses में, ये सारी की सारी चीजें basically public opinion को include करने के लिए की जाती हैं। Now, although ये सारा का सारा process जो है आपको देखने में lawful लग रहा है, लेकिन appropriate है या नहीं इसके ऊपर ये editorial लिखा गया है, a very finely written editorial, इसने साफ तौर पे किसी भी चीज को नकारा नहीं है, फैक्टर्स एंड एग्जाम्पल्स बहुत सही तरीके से दिए हैं। नाउ हाउएवर दीज हैव अ 3 month टाइम लिमिट, 3 महीने की टाइम लिमिट है, एनी एक्सटेंशन वुड नीड टू बी अप्रूव्ड बाय द लेजिस्लेचर। 3 महीने से ऊपर अगर आपको करना है तो उसमें लेजिस्लेचर की आपको अप्रूवल की जरूरत हो जाती है। नाउ दिस इज द पार्ट, ये वो पार्ट है जहां पे आपको मान के चलिए कि स्टेटमेंट बेस्ड प्रिलिम्स में सवाल आ सकता है, यही वो पार्ट है कि 3 महीने की लिमिट दी गई है, उसके बाद लेजिस्लेचर से अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। पार्लियामेंट इज ऑलरेडी कंसोलिडेटिंग 29 एग्जिस्टिंग लेबर लॉज इनटू 4 codes। ये 4 codes किसके हैं, ऊपर है कोड ऑन वेजेस जो कि अभी पास हो चुका है, उसके अलावा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड सोशल सिक्योरिटी। तो ये सारे के सारे जो codes हैं, ये आपने 4 codes बनाने हैं 29 existing laws को replace करके। IR is not international relations, ये है industrial relations. Industrial relations basically talks about, for example, आपके labor welfare की बात कर देगा, उसके अलावा आपकी trade unionism की बात कर देगा, ये सारी चीजों की बात करेगा industrial relations वाला code. Now, the first of these has been enacted, जैसा कि मैंने कहा, the standing committee on labor has submitted the report on next to occupational safety, IR, right? एंड उसके अलावा जो आखिरी वाला है वो भी अभी पाइपलाइन में है, इट इज स्टिल एग्जामिनिंग द लास्ट वन। द कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ डज नॉट स्पेसिफाई द मैक्सिमम आवर्स ऑफ वर्क, लेकिन वो सरकार को एम्पावर करती है कि वो ऐसा कर दे, और रिपोर्ट के तहत ये पता चलता है कि सरकार ने ये प्रोविजन जो है मैक्सिमम 8 hours पर डे के ऊपर मान लिया है कि हाँ हम 8 hours पर डे जो है लिमिट फिक्स करेंगे, विद ओवर टाइम परमिटेड फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, हर इंडस्ट्री में नहीं लेकिन ओवरटाइम परमिट किया जाएगा फॉर सर्टेन टाइप्स। नाउ इमरजेंसी शुड नॉट बी अ रीजन टू एक्सक्लूड द प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन विद एंड स्क्रूटनी बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये तकलीफ है सबसे बड़ी जो कि इस एडिटोरियल में बोली गई है कि इमरजेंसी को आप कारण नहीं बना सकते, दिस शुड नॉट बी द रीजन कि आप पूरा कंसल्टेटिव प्रोसेस जो है उसको रिप्लेस कर दें। लेजिटिमेसी ऑफ स्टेट एक्शन इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर स्टेट एक्शन को लेजिटिमेसी कैसे मिलती है, इट कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट देयर इज कॉन्स्टेंट ओवरसाइट एंड चेक बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये बात हम अगर समझ जाते हैं तो हमें इंपॉर्टेंस ऑफ कंसल्टेशन समझ आ जाएगी। नाउ दिस इज समथिंग जो कि आप एसेज में यूज कर सकते हैं, दिस वन सिंगल स्लाइड गिव्स यू एन इनसाइट कि एसेज में, मेंस में, आंसर राइटिंग में आप कुछ चीजें लिख सकते हैं जो आप बेसिकली अपने व्यू पॉइंट्स में, जहां पे आप अपना कंक्लूजन लिखते हैं ना, वहां कंक्लूजन में इन चीजों को आप यूज कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप ऐसी चीजों के नोट्स अलग से बना लें। नाउ कमिंग टू द नेगेटिव एस्पेक्ट, कमिंग टू द कॉन्स और रादर द अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ दिस एंटायर स्टेप, इसको समझने के लिए जो गौतम भाटिया जी हैं उन्होंने ये एडिटोरियल लिखा है, ही इज एन दिल्ली बेस्ड लॉयर, दिल्ली के वकील हैं, एंड इन्होंने जो एडिटोरियल लिखा है इक्वल फ्रीडम एंड फोर्स्ड लेबर, this basically calls this entire process grossly unconstitutional. हम इसकी गहराई में ज्यादा इसलिए जा रहे हैं because इन्होंने अंबेडकर जी की कुछ excerpts from a note he had written on fundamental rights, उसमें से कुछ बातें निकाल कर रखी हैं, and वो बातें as such important है, not as per se कि आप कह लीजिए इस topic के लिए important है। pre में इससे related कुछ सवाल नहीं आएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, pre में यहाँ से सवाल नहीं आएगा prelims में। हाँ, आपको कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की बात जो मैंने यहाँ पे बोली है, जो यहाँ पे आपको बताया, ये सारा प्रोसेस बताया है, ये प्रोसेस के ऊपर सवाल आएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, यहाँ से नहीं आएगा। ये जो चीज है
ये आपकी प्योरली प्योरली। नाउ सी जहां पे ये आएगा जहां नहीं आएगा मैं कैसे बता पा रहा हूं, दिस इज थ्रू एक्सपीरियंस। मेक श्योर कि आप ये चीजें नोट करते रहिएगा, ये मेंस और एसेज में यूज होगा, नथिंग नोवेयर एल्स। नाउ देयर आर एक्सर्प्ट्स फ्रॉम अंबेडकर नोट ऑन फंडामेंटल राइट्स, उनको यहां पे हम डिस्कस करेंगे। इन अ टर्स डॉक्यूमेंट बी आर अंबेडकर जी ऑब्जर्व्ड दैट दस फार अभी तक जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस बने हैं उनका पर्पस हैज बीन टू लिमिट स्टेट पावर, जो सरकार है स्टेट है उनकी पावर को लिमिट करना, उसको कंट्रोल में चेक में रखना, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल। अब ये जो थॉट प्रोसेस है कि सरकारों की पावर को लिमिट करके आप एक फ्रीडम, एक इंडिविजुअल की फ्रीडम को इंश्योर कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, ये थोड़ा सा नैरो है, ऐसा अंबेडकर जी ने बोला था, इट वॉज टू नैरो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम। कारण क्या है, ऑफ्टन इट वॉज प्राइवेट पार्टीज, इंडिविजुअल्स एंड कॉरपोरेशंस जो कि एक्सरसाइज देयर ग्रेट स्वे ओवर इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ द नेशन, एंड इस वजह से जो फ्रीडम है ऑफ एन इंडिविजुअल वो ज्यादातर केसेस में प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट पार्टीज जो हैं वो खतरे में डालती हैं। अंबेडकर जी आर्ग्यूड दैट फंडामेंटल राइट्स मस्ट ऑल्सो एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ द मोर पावरफुल हैविंग द पावर टू इम्पोज आर्बिट्रेरी रिस्ट्रेंट्स ऑन लेस पावरफुल। तो जिसके पास मोर पावर है, जो मोर पावरफुल है उसके पास पावर टू इंपोज आर्बिट्रेरी रिस्ट्रेंट्स अगर होंगे ऑन द लेस पावरफुल बाय विड्रॉइंग फ्रॉम द कंट्रोल हैज ओवर द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल, तो ऐसे में वी नीड टू एलिमिनेट दिस पॉसिबिलिटी एंड दिस इज मोर ऑफन कॉल्ड एज द डिक्टेटरशिप ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉयर। तो ये टर्म्स जो है मैंने हाईलाइट की है, ये आपने लिख लेनी है, ये फ्रेज भी जरूर लिख लीजिएगा, आपको कोट के तौर पर यूज आप कर सकते हैं किसी भी एसे के अंदर, यू कैन यूज इट एज अ कोट। एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी, किस चीज की पॉसिबिलिटी, कि जो मोर पावरफुल है हु हैज द पावर टू इम्पोज आर्बिट्रेरी रिस्ट्रेंट्स ऑन द लेस पावरफुल वर्कर्स, फॉर एग्जांपल यहां आ गई मैनेजमेंट, मोर पावरफुल हो गई मैनेजमेंट, यहां लेस पावरफुल आ गए वर्कर्स, ठीक है जी। तो वर्कर्स और मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो मोर पावरफुल हैज द पावर, दे हैव द पावर टू इम्पोज आर्बिट्रेरी रिस्ट्रेंट्स, आर्बिट्रेरी मतलब बेमतलब के, राइट। Less powerful by withdrawing from the control he has over the economic life of the people, right? तो इस तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो ये dictatorship of private employer हो जाता है। Now the entire labor movement in India particularly, they have been a key to successful freedom struggle. भारत की आजादी में labor movement का योगदान नकारा नहीं जा सकता। हाँ, 1931 का जो कराची declaration था और जो bill of rights था, it has placed labor rights on par with ordinary civil rights, तो लेबर के जो राइट्स हैं उनको ordinary civil rights के बराबर रखा इस particular declaration और bill of rights ने। I will be discussing it in my weekly current affairs series, बहुत जल्दी, जो इस हफ्ते की वीडियो नहीं आई है, it is in making, it is in process, उसमें ये चीजें भी discuss कर दूंगा मैं, तो आप जरूर उस वीडियो को भी देखना, आपको notification मिल जाएगी। Make sure कि आप subscribe जरूर कर दीजिएगा और bell icon जरूर दबा दीजिएगा, bell icon दबा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भैया सर ने weekly current affairs series अपलोड कर दिए। Now these principles eventually found their way into the constitution, भारत के संविधान के अंदर ज्यादातर ये provisions directive principles में आ गई, और एक particularly आई under article 23, that is forced labor, right against forced labor. Now ये right against forced labor के बारे में हमने पिछले video analysis में भी देखा था, PUDR, People's Union of PUDR versus Union of India, this case, इसमें Supreme Court ने एक judgment held की थी, जिसमें the Supreme Court held that the right against forced labor included the right to a minimum wage, that is number one. इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें की कोर्ट ने बोला, द कंपल्शन ऑफ इकोनॉमिक सर्कमस्टांसिस विच लीव्स नो चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव्स, कि जहां आप इकोनॉमिक सर्कमस्टांसिस के एवज में आप किसी भी तरीके का अल्टरनेटिव एक व्यक्ति को नहीं छोड़ते हैं, इन वांट एंड कंपेल्स हिम टू प्रोवाइड लेबर और सर्विस, जबरदस्ती लेबर और सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मजबूर करते हैं, तो वो आर्टिकल 23 के खिलाफ चला जाता है, फोर्स्ड लेबर हो जाता है। वॉज नो लेस अ फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर देन एनी अदर एंड इट्स रेमेडी लेज in a constitutional guarantee of the minimum wage. तो यही constitutional guarantee of minimum wage है, जो basically constitutional guarantee of minimum wage है, जो basically इस पूरे process को ensure करती है कि आप forced labor के तहत ना जा पाएं।
मार्केट इकोनॉमी। अब यहाँ पे ये बेसिकली एक ओवरटर्न लेता है, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की बात हो रही थी, धीरे से इसने इकोनॉमिक टर्न लिया है। दिस इज ऑल्सो रिलेटिंग इकोनॉमिक्स विद पॉलिटी, इसको ध्यान से समझिएगा। अ मार्केट इकोनॉमी इज सस्टेन्ड बाय अ सेट ऑफ लॉज, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, प्रॉपर्टी है, एंड ऐसे ही बहुत सारे लॉज है। नाउ दिस लीगल स्ट्रक्चर दिस इंश्योर्स की जो कैपिटल और लेबर है ये कभी आमने सामने ना बैठे, बिकॉज दे आर नॉट इक्वल्स इन द मिथिकल टेबल ऑफ बार्गेनिंग। तो जो बार्गेनिंग की, कलेक्टिव बार्गेनिंग की कहिए या इंडिविजुअल बार्गेनिंग की कहिए, वो जो टेबल है उसके आमने सामने ना हो ये कैपिटल एंड लेबर, तो इसकी बात कही है। बिकॉज रीजन बीइंग के इन दोनों के अंदर एक स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी है, ये अज्यूम किया जा रहा है कि मार्केट इकोनॉमी के अंदर कि ये जो कैपिटल है और लेबर है ये आमने सामने इक्वल नहीं है, ये बात बोली जा रही है। नाउ दिस इज समथिंग जो कि एक प्रीडेटेड कॉन्सेप्ट है, ये प्रीडेटेड कह लीजिए कॉन्सेप्ट है, ये काफी एंशियंट कॉन्सेप्ट है एज ऑफ टुडे। रीजन बीइंग ये कॉन्सेप्ट निकल कर आता है मार्क्सिज्म से, ये मार्क्सिज्म से निकल कर आता है रीजन। एंड दूसरी चीज ये कि कहीं जगहों पे प्लूरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से भी आ जाता है। प्लूरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, जो लोग इंडस्ट्रियल रिलेशंस या मैनेजमेंट पढ़े हुए हैं तो उनको ये प्लूरलिस्ट और मार्क्सिस्ट स्कूल्स ऑफ थॉट इजीली समझ आ रहा होगा। एंड अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। नाउ दीज स्कूल्स ऑफ थॉट्स दे आर नाउ आउटडेटेड, ये पुराने हैं, ये आउटडेट हो चुके हैं। रीजन बीइंग कि ये बहुत सारी चीजों को निगेट करते हैं। मार्क्सिज्म की अगर हम बात करें तो ये तो वायलेंट क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं ये, एंड ये ट्रेड यूनियनिज्म को भी एक सेकेंडरी कह लीजिए मोटिव मानते हैं। प्लूरलिस्ट स्कूल की भी अगर हम बात करें तो ये कॉमन इंटरेस्ट, सॉरी म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात करते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो है ये अब आउटडेट हो चुकी है। एंड जो ये ऑथर ने, गौतम भाटिया जी ने ये जो बात कही है, दिस इज समथिंग जो कि आज एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन हाँ, अगर आप लीगल स्ट्रक्चर की बात करें तो लीगल स्ट्रक्चर इज नेसेसरी, लेकिन जिस बेसिस पे आप लीगल स्ट्रक्चर को जस्टिफाई कर रहे हैं इट इज नॉट सो। आप मान के चलिए कि अगर आप कैपिटलिस्ट एंटिटी भी हैं, बिकॉज देर आर सो मेनी व्यू पॉइंट्स, उन सबको आपको बैलेंस प्रोपोर्शन में लेना पड़ेगा। तो कैपिटलिज्म की अगर मैं बात करूं तो कैपिटलिज्म के अंदर भी ये बात समझी जाती है कि अनलेस एंड अंटिल यू हैव लेबर, लेबर की प्रॉपर इंपॉर्टेंस है इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, तो कैपिटल और लेबर को उसी हिसाब से अहमियत दी जाती है जिस हिसाब से उसको अहमियत देनी जानी चाहिए, राइट। एंड ये जो इक्वालिटी या इनइक्वालिटी है, इसमें एक इशू आ जाता है कि क्या लेबर क्लास कैपिटल को रिप्लेस करना चाहती है या नहीं चाहती है। लेबर क्लास कैपिटल को रिप्लेस नहीं करना चाहती है, हाँ आप उनके राइट्स को इंश्योर करने के लिए एक लीगल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, वो चीज होनी जरूरी है। तो दिस इज समथिंग, ये बैलेंस्ड ओपिनियन आपको देखना चाहिए, आपको ये आइडियाज भी लेने जरूरी है। व्हाट आई विल डू इज कि आई विल क्रिएट अ वीडियो ऑन दिस जिसमें आपको ये बैलेंस्ड ओपिनियन मैं बता दूं, जहां पे आप कैपिटलिज्म वर्सेस मार्क्सिज्म, कैपिटलिज्म वर्सेस मार्क्सिज्म के ऊपर एक छोटा सा एसे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको जो है इसमें आसानी हो जाए। अभी फिलहाल आप समझिए कि यहाँ पे जो एडिटोरियल में बात की गई है, अगर ऐसा होता है, अगर ये स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी को नजरअंदाज किया जाता है, तो वो एक फॉर्म ऑफ प्राइवेट गवर्नमेंट बन जाता है, अ सिचुएशन इन विच देयर एग्जिस्ट डेमोक्रेसी इन द पॉलिटिकल स्फीयर, लेकिन यूनिलैटरल टर्म सेटिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्क स्पेस, वर्कप्लेस में यूनिलैटरल टर्म सेटिंग होती है, मतलब अपनी मन मर्जी से जो है अपनी टर्म्स है डिसाइड होती है, मतलब प्राइवेट सेक्टर अपनी मन मर्जी करता है। With the rise of the platform or gig economy होती है, for example, there are so many startups जो शुरू होते हैं and वो startups जो है फिर बंद हो जाते हैं, एक समय के लिए चलते हैं, एक समय के बाद वो बंद हो जाते हैं। All of this basically means कि आप थोड़े समय के लिए कह लीजिए कि आप काम करते हैं, फिर उसके बाद काम जो है बंद हो जाता है, थोड़े समय के लिए employment generate होती है और उसी थोड़े समय के बाद वो employment बंद हो जाती है। This is basically rising of casualization of economy and this further fractures within the workforce and ये basically ये क्या कर रहा है कि जो workers हैं उनकी मुसीबतों को बढ़ा रहा है, workers की मुसीबतों को बढ़ा रहा है, इस चीज को यहाँ पे कहा जा रहा है। This inequality of power has only grown starker. हाँ, this is something that we need to understand कि जहाँ पे gig economy है उसका नेगेटिव इंपैक्ट वर्कर्स के ऊपर बहुत पड़ता है, साथ के साथ कैपिटल के ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि कैपिटल को कहीं पे भी सिक्योरिटी नहीं मिलती है, कैपिटल को कहीं पे भी कह लीजिए इंश्योरेंस अश्योरेंस नहीं मिलती है कि वहां से रिटर्न्स आएंगे। नाउ द पर्पज ऑफ लेबर लॉज क्या है, दिस अरोज आउट ऑफ अ लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रगल विच ऑफन अकंपनीड बाय स्टेट सैंक्शन वायलेंस अगेंस्ट वर्कर्स। पुराने समय की बात हो रही है, ये इंटरनेशनल अरीना की बात हो रही है, भारत की बात नहीं हो रही है। भारत के अंदर भी ये चीज हुई थी
लेकिन वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से हो रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट. नाउ इन सम कंट्रीज द पाथ चोजन हैज बीन टू गिव द वर्कर्स अ स्टेक इन प्राइवेट गवर्नेंस, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट. वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है. कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल के तहत, विच आर्टिकल स्टेट्स दैट वी नीड टू एंश्योर वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. थ्रू स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन लॉज, आप स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन लॉज बना दीजिए. मैंडेटरी सीट फॉर लेबर इन गवर्निंग बोर्ड्स ऑफ फर्म्स बना दीजिए. नाउ दिस इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ को डिटर्मिनेशन. ये को डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट होता है जो यहां पे लग रहा है. लेकिन भारत जैसी कंट्रीज की अगर हम बात करें, द पाथ हैज बीन टू क्रिएट अ डिटेल्ड सेट ऑफ लॉज कवरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वर्कप्लेस एंड डिपेंड अपॉन स्टेट एजेंसीज फॉर देयर एनफोर्समेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हमने कल के एडिटोरियल में बात की थी, देर आर सर्टेन इंस्पेक्टर्स, कुछ इंस्पेक्टर्स की पोस्ट क्रिएट की गई थी अंडर लेबर लॉज. वो इंस्पेक्टर्स का काम ये था कि वो भैया इंश्योर करते कि इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स का डेटा जो है वो कलेक्ट करें एंड उनका रिकॉर्ड मेंटेन करें, लेकिन ये काम इन्होंने नहीं किया था. तो ऐसे में स्टेट एजेंसीज क्या वो उस एनफोर्समेंट के प्रोसेस को सही तरीके से लागू करती है नहीं करती है, वो सवालिया निशान उठता है. तो अगर आपको उसके बारे में जानकारी लेनी है तो आप 11th मई का जो मेरा हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस है उसे जरूर देखिएगा. नाउ कमिंग टू द लास्ट एस्पेक्ट, इंडिया का जो लेबर लॉ स्ट्रक्चर है इट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन मल्टीपल ग्राउंड्स. कारण क्या है कि इट सेट्स अप लेबर ब्यूरोक्रेसी, एक लेबर ब्यूरोक्रेसी क्रिएट हो जाती है दैट इज प्रोन टू करप्शन. इट इज प्रोन टू करप्शन. फॉर एग्जाम्पल हमने इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स वाला जो एक्ट देखा, कल जो हमने सारा एनालिसिस किया उसमें करप्शन ही तो है बेसिकली, राइट. एंड देन दी एडजुडिकेटरी मैकेनिज्म आर इनएफिशिएंट. फॉर एग्जाम्पल आप कंसिलिएशन ऑफिसर की बात करें, आप इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स की बात करें, आप वेरियस आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट की बात करें जो कि 1996 का था, उसके बाद 2005 की बात करें या अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट 2015 की भी बात करें, तो सारी की सारी चीजें दे आर इनएफिशिएंट. भारत के अंदर सबसे बड़ा अगर मैं कहूं तो फोर्थ डेफिसिट, मैं बार बार ये बोलता हूं, ये बहुत ही उम्दा टर्म है, मैंने हिंदू एडिटोरियल में से ही उठाई है, दैट इज द डेफिसिट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. इम्प्लीमेंटेशन का डेफिसिट भारत के अंदर बहुत बड़ा डेफिसिट है, राइट. तो वो इनएफिशिएंसी है, लेबर ब्यूरोक्रेसी सेटअप करता है विच इज प्रोन टू करप्शन. द राइट्स दैट लेबर लॉज ग्रांट आर इफेक्टिवली सबमर्ज्ड इन अ क्रीकिंग जुडिशियल सिस्टम. नो रिलीफ मिलता है, रिलीफ असली में नहीं मिलता है. द सिस्टम क्रिएट्स एन अनकॉन्शनेबल टीयर्ड स्ट्रक्चर वेयर अ मेजोरिटी ऑफ द वर्कफोर्स एंगेज इन कॉन्ट्रैक्ट लेबर और इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट हैज वेरी फ्यू राइट्स. तो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के तहत कोई है, वर्कफोर्स का हिस्सा है लेकिन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है या इनफॉर्मल फॉर्म में, तो उसको बहुत कम राइट्स मिलते हैं. वाइल दोज इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट हैव ग्रेटर सिक्योरिटी एटलीस्ट इन थ्योरी, इन थ्योरी ही सही बट उनको ज्यादा बेहतर कह लीजिए सोशल सिक्योरिटी. द टर्म इज सोशल सिक्योरिटी ऑफर होती है, जहां पे आप सोशल सिक्योरिटी ऑफर करते हैं वर्कर्स को वहां पे आप वर्कर्स को फॉर्मलाइज करना शुरू कर देते हैं. इन अ रीसेंट इंटरव्यू इट वॉज इवन पॉइंटेड आउट दैट मेनी प्रोमिनेंट लेबर यूनियंस प्रेफर टू अराइव एट एन अकोमोडेशन विद द मैनेजमेंट रादर देन रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट्स. नाउ दिस इज समथिंग विच इज नॉट रियली अ क्रिटिसिज्म, रीजन बीइंग के कई बार इट इज नॉट ऑलवेज की जो लेबर डिमांड करती है फॉर एग्जाम्पल वो हमेशा ही सही होगा. At times, you need to understand, this is a very, I would say this is a very sweeping statement. ये थोड़ा सा आप balance out कर सकते हैं, but otherwise, all these statements are true to the sense of the word. Now, इसमें आपको ये समझना होगा कि most of the times, management हमेशा long-term benefits के बारे में सोचेगी. हमेशा लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के बारे में सोचेगी. एंड इट इज नॉट ऑलवेज कि मैनेजमेंट जो है वर्कर्स के खिलाफ ही सोचेगी. मैनेजमेंट जो है हमेशा, जब भी मार्क्सिज्म की बात करें, दे आर पोर्ट्रेड एज अ बंच ऑफ डेविल्स. ये हमेशा ऐसे ही पोर्ट्रे किया जाता है क्योंकि वो क्लास स्ट्रगल उसी से सूट होती है, वो उसी आइडियोलॉजी से सूट किया जाएगा कि आप अगर डेविल्स के खिलाफ लड़ रहे हैं. लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि मैनेजमेंट के हित में है कि वो वर्कर्स का हित करे, ये भी आइडियोलॉजी एग्जिस्ट करती है. तो ये बैलेंस आउट करना बहुत जरूरी है, इसी वजह से मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं. हाँ, एक चीज आपको लास्ट में नोटिस करनी होगी, दैट इकोनॉमिक पावर एक्सरसाइज बाय कैपिटल शुड नॉट बी लेफ्ट अनचेक्ड. ये सारी की सारी बातें जितनी भी मैंने यहां पे बोली है इसको बैलेंस आउट करने के लिए, गिवन ऑल दीज थिंग्स, फिर भी आपको जो इकोनॉमिक पावर जो कैपिटल एक्सेस करता है, जो एक्सरसाइज करता है इकोनॉमिक पावर,
उसको अनचेक्ड नहीं रखना चाहिए, उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस लगाने चाहिए। आज इस हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में इतना ही, हम फिर मिलेंगे चलते चलते। जाते जाते आपसे एक अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मित्र बंधुओं के साथ, सखी सहेलियों के साथ, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड इस बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। कारण क्या है कि फिर वो ऐसे कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो आवाज निकालता है टडिंग की टडिंग ऐसे, है ना, तो उस आवाज के साथ ही आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी और हमारी दूरी जो है वो दूर हो गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम न्याय अकेडमी ऑफ विजडम। टेक केयर, हैव एन ऑसम डे अहेड।